नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल फीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जो पटना हाईकोर्ट की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही साथ आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और बीटीएससी विभाग की तरफ से बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आ रही है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं और चाहते हैं जल्द से जल्द यह वैकेंसी क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, ईजीसीएक्स या टेक्नीशियन, एनएम, जेएनएम, पैरामेडिकल, ड्रेसर की न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एनएम की वैकेंसी जिस आधार पर क्लियर होगा, न्यू वैकेंसी जो है पैरामेडिकल, ड्रेसर, ओटी असिस्टेंट, ईजीसीएक्स या टेक्नीशियन का भी वैकेंसी उसी आधार पर क्लियर किया जाएगा। इसीलिए इसी वैकेंसी पर सभी वैकेंसी टिका हुआ है। तो इसलिए जो भी अपडेट आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और बीटीएससी विभाग की तरफ से, पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो भी अपडेट निकल के आ रही है, इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले बीटीएससी आयोग की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रही है जो कि आपके सामने में देख लीजिए। एनएम का दस्तावेज सत्यापन शुरू। पटना बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ली गई नियुक्ति परीक्षा में सफल 8,500 एनएम अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन शुक्रवार से शुरू हो गया। आयोग कार्यालय में संपन्न दस्तावेज सत्यापन के पहले दिन 700 अभ्यर्थियों को इसके लिए बुलाया गया था, जिनमें से 695 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। 23 फरवरी तक यह दस्तावेज सत्यापन आयोग कार्यालय में ही होगा, क्योंकि आयोग को इसके लिए ज्ञान भवन नहीं मिल पाया। आगे देख लीजिए, 27 फरवरी से 1 मार्च तक दस्तावेज सत्यापन ज्ञान भवन में आयोजित होगी। तो कई दफ़ा हम आपको बता भी चुके हैं, जो 16 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक जो फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग हो रहा है, वो ज्ञान भवन पटना में नहीं होगा, आयोग के कार्यालय में ही होगा, क्योंकि उस समय ज्ञान भवन पटना नहीं मिल पाया था। तो अब देख लीजिए, तो ये तो समाप्त हो गई है, 23 तक जो है फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग समाप्त हो गई, और सेकेंड राउंड का काउंसलिंग आपको 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक चलेगा, जो कि ज्ञान भवन पटना में काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो देख लीजिए टोटल जो है 8,500 स्टूडेंट जो है विभाग अपडेट किया है, 8,500 स्टूडेंट, ठीक है, जिसका काउंसलिंग करना है, दस्तावेज सत्यापन की जांच करना है, क्योंकि देख लीजिए आयोग ही इसका अपडेट किया है। तो आज हो गया, आपको ही पता है 25 हो गया है, फिर 27 से सेकेंड राउंड का काउंसलिंग चलेगा। तो यही अपडेट निकल के आई थी, पहला अपडेट है, चलिए आगे बता रहे हैं। और अभी 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा, तो जिसका भी काउंसलिंग है जाके आप लोग काउंसलिंग करवाइए। तो चलिए आगे बताते हैं, आगे क्या अपडेट निकल के आई है। देख लीजिए दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक लेटर रिलीज किया गया है 22/2024 को। देख लीजिए, 22/2024 श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल समस्तीपुर में लिपिक एवं शल्य कक्ष सेवक के पदस्थापन के संबंध में। तो लेटर जारी भी नहीं हो पाती है आपको, देख लीजिए हम हर एक अपडेट आपको बताते रहते हैं। तो देख लीजिए, एक सिर्फ 23 तारीख को एक लेटर आई है, उसके बाद अभी स्वास्थ्य विभाग से कोई लेटर अभी इशू नहीं हो रही है। तो चलिए आगे बताते हैं, आगे भी देख लीजिए। तो दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से भी कोई अभी नोटिस नहीं आ रही है, आप खुद देख रहे हैं। और अभी रहा बीटीएससी एनएम 10709 पोस्ट का वैकेंसी, तो विभाग अपना, आयोग अपना काम कर रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल मेरा सूची पर रोक है, वो तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं, और एक सप्ताह में पटना हाईकोर्ट आपको क्लियर कर देगा, जो फाइनल जजमेंट पटना हाईकोर्ट जारी कर देगा, उसके बाद ही मेरा सूची जो है आयोग जारी करेगा। इसलिए आप लोग को हैरान नहीं होना है, आप लोग आराम से अपना तैयारी करते रहिए, जैसे ही पटना हाईकोर्ट जजमेंट देगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको आयोग काम करेगा। और जो न्यू वैकेंसी है, तो न्यू वैकेंसी इस वैकेंसी पर ही टिका हुआ, जैसे फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, ईजीसीएक्स या टेक्नीशियन, एनएम, जेएनएम के जो न्यू वैकेंसी है, इसी वैकेंसी पर टिका हुआ, क्योंकि ये काउंसलिंग के आधार पर वैकेंसी क्लियर होगा। तो जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, ईजीसीएक्स या टेक्नीशियन, वे सभी वैकेंसी को फिर से रिलीज किया जाएगा और काउंसलिंग के आधार पर क्लियर करेगा। इसीलिए यह है एनएम की वैकेंसी पर ही सभी वैकेंसी टिका हुआ, जो वैकेंसी वापस ले लिया आयोग जो है, वैकेंसी वापस ले लिया, जैसे फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, ईजीसीएक्स या टेक्नीशियन का वैकेंसी जो है वापस ले लिया है, इसी वैकेंसी पर टिका हुआ है।
क्योंकि यह वैकेंसी क्लियर होगा कौंसलिंग पे, तो जो भी वैकेंसी वापस ले लिया गया है वो वैकेंसी को भी कौंसलिंग के आधार पर ही क्लियर किया जाएगा। अभी आगे देख लीजिए आयुष मेडिकल ऑफिसर का, उसका भी कौंसलिंग के आधार पर ले लिया, एक और वैकेंसी है जो कौंसलिंग के आधार पर लिया है, और हम इतना आपको एविडेंस आपको दिखा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, कल भी हम आपको कल भी दिखाए और कितना एविडेंस आपको दिखाए आप खुद देखे हैं, हर एक चीज़ हम आपको बारीकी से दिखाते हैं। तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अभी ओनली फॉर पढ़ाई करना है। जैसे ही पटना हाईकोर्ट की तरफ से फाइनल जजमेंट आ जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आयोग आपको जो है काम करेगा। इसीलिए फाइनल मेधा सूची पर रोक है, कोई कह रहा है 15 मार्च तक जो है फाइनल मेधा सूची जारी कर देगा, तो 15 मार्च के कोई जारी नहीं हो रहा है मेधा सूची, ठीक है। जब तक पटना हाईकोर्ट फाइनल जजमेंट जारी नहीं करेगा उससे पहले आपको जो है, क्योंकि आपको ही पता है कल हम आपको दिखा भी दिए नोटिस, जो देख लीजिए फाइनल जजमेंट पटना हाईकोर्ट जारी करेगा उसके बाद ही आयोग मेधा सूची जारी करेगा। तो अभी देख लीजिए सेकेंड राउंड का काउंसलिंग आपको 27 से स्टार्ट हो रही है, जो कि 1 मार्च तक चलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग करवा रहे हैं आराम से काउंसलिंग करवाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्टूडेंट नॉन क्वालिफाई है या जो संविदा पर है वे अपना पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आने का इंतजार कीजिए। जैसे ही पटना हाईकोर्ट जजमेंट आपको जारी कर देगा फाइनल, तो उसमें आपको सामने आ जाएगा दूध के दूध और पानी के पानी क्या होगा सो। तो इसीलिए अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और आज हम आपको 12 बजे वाला क्लास नहीं ले पाएंगे, शाम में हम आपको क्लास ले पाएंगे, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं, आपको भी बता दिए थे मेरा एग्जाम है, तो उसके बाद फिर शाम में आएंगे, तो शाम में हम आपको क्लास ले पाएंगे। नाइट में 10 PM वाले जो क्लास है वो क्लास होगा। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट अपना तैयारी में लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जैसे ही जो भी अपडेट आता है, हर एक अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं, आप खुद देखते हैं, हम एक अपडेट आपको बताते रहते हैं। पटना हाईकोर्ट जो 15 जनवरी के ओरल नोटिस जारी किया था जिसमें फाइनल मेधा सूची पर हो के वो हम आपको दिखा दिए, उसके बाद कि इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, कर्नाटका हो, इसके बाद जो है सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट हो, सभी हम आपको दिखा दिए हैं। और उसके बाद भी जो विभाग जिस समय ऑनलाइन आवेदन BTSC NM का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा था, जिस समय जो है या वैकेंसी निकल के आ रही, वो भी हम आपको नोटिस दिखा दिए, जो उसमें 10 नंबर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, जो अंतिम लास्ट डेट तक जो है आवेदन के अंतिम तिथि तक ही आयोग विभाग या राज्य सरकार इसमें जो है नियमावली में चेंज कर सकता है, उसके बाद कोई नियमावली में चेंज नहीं कर सकता है। तो हम सच्चाई से आपको वाकिफ कराते हैं, हर चीज़ करते हैं, आप खुद देखें, और BTSC आयोग के वेबसाइट पर हर चीज़ पड़ा हुआ, और ग्रुप में भी भेज दिए हैं, व्हाट्सएप चैनल पर भी भेज दिए हैं, टेलीग्राम पर भी भेज दिए हैं, सभी स्टूडेंट देख लीजिए। तो चलिए यही जानकारी देने वाले थे, आज के डेट में जो भी अपडेट निकल के आ रही है आपके भी शेयर किए, BTSC NM 10709 पोस्ट की रिगार्डिंग, न्यू वैकेंसी की रिगार्डिंग। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को जय अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो भी अपडेट निकल के आएगी BTSC NM 10709 पोस्ट की रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।